बर्थडे सुरु के पापा। हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे गाइस। ये है विनायक जी का, गणेश जी का मंदिर, तो हम लोग यहाँ पे दर्शन करने के लिए आए हैं गाइस आज। बस गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं बाहर, पूजा ऊजा करनी है और ये जो वाइट टीका है लगाते हैं तो वही लगा रखा है। तो बस गाइस जेंट्स वगैरह सब जा चुके हैं, बस अभी हम तीनों रह रहे हैं, हम लोग भी जा रहे हैं। तो चलिए गाइस अब बाहर घूमते हैं। गाइस यहाँ से एक छोटा सा गणेश जी लिया, गाइस मंदिर जाने के बाद हम लोग यहाँ पे होटल में आ गए थे रेडी होने के लिए क्योंकि आज शादी है। तो गाइस यहाँ पे बुलबुल भी रेडी हो चुकी है, डिंपल भी और मैं भी, और हम लोग अभी जा रहे हैं नीचे और शादी में। तो चलिए गाइस शादी में मिलते हैं आपसे आगे। मैं देखिए लिफ्ट में है गाइस, हम लोग अभी जा रहे हैं। और गाइस यहाँ पे देखिए शादी हो रही है, शादी में आए हैं। यहाँ पे दोनों बच्चियाँ पॉपकॉर्न वगैरह खा रही है और हम लोग भी गाइस यहाँ पे बैठे हैं, अभी देख रहे हैं शादी को। और यहाँ पे दोनों फोटो खिंचा रही है भूमि और दिन में। बस गाइज अब हम लोग आ गए हैं यहाँ पे खाना खाने के लिए। यहाँ पे खाना खाने के लिए देखिए कैसे मतलब सब एक लाइन से बैठे रहते हैं गाइज, सबको बिठा दिया जाता है और इसी तरह से खाना डाला जाता है। यहाँ पे गाइज हमारा भी खाना लग गया है, गाइज हम लोग भी यहीं पे बैठे हैं। तो गाइज यहाँ का जो खाना होता है, चाहे कोई शादी वादी कुछ भी हो, यहाँ पत्ते पर ही खिलाते हैं। गाइज आगे का व्लॉग नहीं बना पाई थी क्योंकि मोबाइल डिस हो गया था, ये सुबह का है जब बच्चे स्कूल जा रहे हैं, तो यहाँ पर लंच डाल रही हूँ। और यहाँ पे देखिए गाइज मैंने यहाँ पे थोड़ी सी उड़द दाल भिगो के रखी है क्योंकि बच्चों को उड़द दाल के जो पकोड़े होते हैं वो अच्छे लगते हैं, तो इसीलिए मैंने आज भिगो के रखी है अच्छी तरह से। मतलब इसको 2-3 घंटे पहले ही भिगो के रखते हैं, तो मैंने यहाँ पे भिगो ली थी। और अब इसका जो पानी है वो निकाल के रख दूँगी जिससे कि थोड़ी सूख जाए, ड्राई हो जाए, नहीं तो गीली गीली में तो वो बनेंगे नहीं पकौड़े। इसीलिए मेदू वड़ा आपने सुना होगा, यहाँ का साउथ इंडियन बहुत फेमस है। अब ये जो दाल है मैं थोड़ी थोड़ी करके पीस लूँगी मिक्सी में, और इसमें गाइस थोड़ा 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 पानी डालेंगे, एक छोटी वाली जो स्पून होती है वो उतना, जिससे कि ज़्यादा चिपके नहीं इसीलिए। और बस गाइस इसके अंदर मैंने यहाँ पे 2 हरी मिर्च डाल दी है, थोड़े कड़ी पत्ते डाल दिए हैं और थोड़ी सी अदरक भी डाली है, और आप चाहें तो गाइस यहाँ पे लहसुन भी डाल सकते हैं, थोड़ा सा ज़्यादा नहीं। और ये देखिए गाइस मेरा अच्छी तरह से बन चुका है पेस्ट जो है, अब इसको अच्छी तरह से मिलाना है जिससे कि ये थोड़ा फूल जाए। और बस इसके साथ खाने के लिए गाइज मैं यहाँ पे सांभर बनाऊँगी। तो यहाँ पे मैंने कुकर में जो है दाल चढ़ा रखी है सांभर वाली बॉईल करने के लिए। और बस गाइज इसको अच्छी तरह से फैट लिया है मैंने, काफ़ी देर हो गई मुझे फैटते हुए। और अब इसमें मसाला डालूँगी, सबसे पहले मैंने काली मिर्च डाली है, थोड़ा सा हरा धनिया डालूँगी और एक जो है ऑनियन कट करके छोटे छोटे पीसेस में कट करके डालूँगी। और बस गाइज इसको अच्छी तरह से मिला लूँगी सारों को, सारे मसालों को। और यहाँ पर स्वाद अनुसार थोड़ा सा नमक डाल दूंगी, जैसे आपको अच्छा लगता है, ज़्यादा ज़्यादा नमक अच्छा था ज़्यादा डाल लीजिए, थोड़ा अच्छा लगता है तो थोड़ा डाल लीजिए। और यहाँ पे देखिए गाइज मैंने लहसुन ये भी बना लिया है, सांभर बना के रेडी कर दिया है। ये जो वड़े होते हैं सांभर के साथ ही अच्छे लगते हैं, चटनी के साथ अच्छे। पूजा वूजा कर ली थी मैंने, पूजा करके और अभी बस आई थी यहाँ पे, मैं बना रही हूँ आज मैदू वड़े। और गाइज मैदू वड़े बना रही हूँ लेकिन मुझे परफेक्ट वैसा जो सर्कल जैसा होता है वो शेप तो नहीं बन रहा है मुझसे, लेकिन हाँ मैंने जो छोटी छोटी पकौड़ी जैसे डाल दी है और टेस्ट वही सेम आ रहा है। तो ठीक गाइज यहाँ पे मैं पानी लगा रही हूँ क्योंकि पानी लगाने से भी ये चिपक जाते हैं, तो इसको ऐसे करते हैं, इसको ऐसे करके देखिए ऐसे करके फिर इसमें ऐसे करके हॉल किया जाता है, लेकिन गाइज मेरे से हॉल बन ही नहीं रहा है, पता नहीं क्यों देखिए बन नहीं रहा है। इसलिए मैं क्या कर रही हूँ ये सब मैं ताम झाम नहीं कर पा रही हूँ, मैंने यहाँ पर पानी लगा लिया हाथ को। और बस गाइज इनको डालती गई इनके तेल के अंदर, गरम गरम तेल के अंदर। तो गाइज इसी तरह से मैंने सारे देखिए मेदू बड़े डाल दिए हैं कढ़ाई के अंदर, थोड़े थोड़े करके डाल रही हूँ क्योंकि पहली बार बना रही हूँ। लेकिन देखिए गाइज यहाँ पे एकदम परफेक्ट बने हैं, जैसे मैंने सोचा भी नहीं था क्योंकि मैं पहली बार बनाया तो मेरे को लगा कहीं गलत ना बन जाए, लेकिन बहुत अच्छे बने गाइज। मैंने पहली कढ़ाई तो निकाल ली है, बाकी और भी हैं तो वो भी निकालना है अभी। तो बस गाइज गर्मी बहुत ज़्यादा आ रही है, आपको दिखाई दे रहा हो, बहुत स्वेटिंग आ रही है चेहरे के ऊपर। तो बस गाइज अभी पहले बना लेती हूँ। कैसे लगे भूमि? वाह यार क्रंची है बहुत, पैसे में खाए हुए।
अच्छा है ना, समोसा टेस्ट करता हूं, समोसा डिप कर लिया, अब चलते हैं। कैसा लगा, अच्छे हैं? ओवर एक्टिंग की दुकान है ये तो। अच्छा है, अच्छा है ना, ठीक। हाँ। खड़ी हो जाओ भूमि, आज कटिंग भी करा के आई है गाइस, कैसी लग रही है बताना कमेंट करके। स्पेशल चीज बताओ, ऐसे करो तो लड़की लग रही हूं, और ऐसे करो तो लड़का लग रही हूं। कपड़े भी लड़की के बन, दांत कहां गए, चुहा ले गया क्या? तो गाइज मैं भूमि और सूर्या जो है जा रहे हैं मार्केट, क्योंकि आज सूर्या के डैडी का बर्थडे है। तो गाइज मैं उनको सरप्राइज दे रही हूँ, उनको नहीं पता हम लोग मार्केट जा रहे हैं। वैसे हम लोग कभी अकेले मार्केट जाते नहीं है, लेकिन आज मैंने हिम्मत करके ऑटो करके और जा रही हूँ, इसलिए क्योंकि गाइज यहाँ की लैंग्वेज मुझे बहुत कम आती है, इसीलिए मैं ज़्यादा मार्केट अकेले नहीं जाती, हमेशा उनके साथ में जाती हूँ। लेकिन आज उनको सरप्राइज देना था तो मैं अकेले आ गई हूँ। तो ये देखिए गाइज मैं यहाँ पर इनके लिए कपड़े खरीदने के लिए आई हूँ, मैं भूमि सूर्या तीनों ही आए हैं यहाँ पर। तो चलिए गाइज उनके लिए कुछ अच्छी सी शॉपिंग करते हैं, उसके बाद दिखाती हूँ गाइज क्या शॉपिंग की है मैंने। यहाँ से शॉपिंग कर ली है सूर्या के डैडी के लिए, और अब हम लोग जा रहे हैं जैसे केक लाने के लिए जा रहे हैं। अब कहाँ जा रहे हैं भूमि? केक लाने के लिए। यहाँ पे सरप्राइज केक ले लिया है डैडी के लिए, और ये राजस्थानी कलाकंद मिठाई, और यहाँ पे पीटर इंग्लैंड से हमने एक शर्ट, एक टी शर्ट और एक पैंट ली है, जीन्स। और अभी हम आए हैं अमू जॉन कैफे बर्गर खाने। गाइस बच्चों को भूख लगने लगी थी तो मैं यहाँ पे होटल में लिया हूँ, देखिए यहाँ पे बर्गर खाने के लिए, तो बच्चे दोनों बर्गर खाएंगे। और उनके लिए मैं उनके लिए गए सरप्राइज केक भी ले लिया, मिठाई भी ले लिया, और कुछ कपड़े लिए हैं मैंने बच्चों की पसंद के लिए। इस बार बच्चों ने पसंद किए हैं कपड़े पहली बार। और देखिए गाइस ये भूमि यहाँ पे थोड़ी सी मस्ती कर रही है। तो यहाँ पे गाइस दोनों के बर्गर भी आ चुके हैं, दोनों बच्चे बर्गर खाएंगे। गाइस मैं नहीं खाऊंगी, मुझे बर्गर अच्छा नहीं लगता। फेवरेट बर्गर है चिकन, खाने लगी है, देखिए फटाफट खा रही है। अच्छा है क्या बर्गर वर्गर खा लिया गाइस, और अब हम लोग वापस ऑटो वाले भैया को बुला लिया है, अब ऑटो में ही वापस घर पे जा रहे हैं। और थोड़ा लेट भी हो गया गाइस, 6:45 हो गए हैं, और शायद 7:00 तो सूर्या के डैडी आ जाते हैं घर पे, तो उनसे पहले हमें पहुंचना है। तो हमने ऑटो वाले भैया को बोला जल्दी चलाओ, जल्दी घर पर जाना है, तो भैया लेके जा रहे गाइस फास्ट फास्ट हमको। और बस गाइस वहाँ से आने के बाद मैंने यहाँ पे मिठाई चढ़ा दी है, क्योंकि पूजा का भी टाइम हो गया था तो पूजा करनी ज़रूरी है। तो यहाँ पे मैंने पूजा कर ली है गणेश जी को और लक्ष्मी जी और सभी देवी देवताओं को, गाइस प्रसाद चढ़ा दिया है, क्योंकि प्रसाद हम लेकर आए थे मिठाई इनके बर्थडे के लिए। तो गाइस ये भी आके पूजा कर लेंगे, लेकिन पहले फ़िलहाल मैंने प्रसाद चढ़ा दिया कि उनको पता ना चले। तो गाइस ये ऑफिस से आ गए, ऑफिस से आते ही इनको नहाने के बाद हमने अपने कपड़े दे दिए थे, तो वही कपड़े पहन रखे हैं जो बर्थडे गिफ्ट पे लेकर आए थे। और गाइस यहाँ पे घर वालों का फोन आ रहा है, तो पहले बातें कर रहे हैं, उसके बाद में ही केक कट करेंगे। टू यू हैप्पी बर्थडे सुरु के पापा, हैप्पी बर्थडे टू यू। तो डैडी और यहाँ पे गाइस देखिए इनके मम्मी पापा भी हैं फ़ोन के ऊपर, वो वीडियो कॉल करके देख रहे हैं। और यहाँ पे भूमि उनको केक खिला रही है फ़ोन के ऊपर, जो कि फ़ोन ये केक थोड़ा सा गिर गया है। तो बस गाइस जो मैंने गिफ्ट दिया इनको बहुत अच्छा लगा, बहुत ज़्यादा, हम ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं कर पाते, लेकिन बहुत अच्छा लगा गाइस इनको। और बस गाइस हम लोग तो ऐसे ही छोटा मोटा होता है तो बना लेते हैं, और गाइस छोटी छोटी खुशियों में हमेशा खुशी ढूंढना बहुत अच्छी बात होती है। तो मैं तो यही कहूँगी जितनी भी लेडीज़ हैं जेंट्स हैं, गिफ्ट देना सीखिए, सरप्राइज़ गिफ्ट देते हैं तो बहुत अच्छा लगता है जिसको हम देते हैं। थैंक यू भूमि, चाहे भले गाइज वो फ़ोन पे ही क्यों ना हो, लेकिन साथ में ही लग रहे हैं कि जैसे साथ में केक कट कर रहे हो। तो बस गाइज अपनों का प्यार बना रहे सभी का, यहीं पे व्लॉग को आज यहीं पे एंड कर रही हूँ। व्लॉग अच्छा लगा हो तो गाइज लाइक कीजिए, नए हैं तो गाइज सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच गाइज़।